कक्षा की चल रही परीक्षाएं, वहीं परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर कई तरह की अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। चाचौड़ा में 10वीं की परीक्षाएं टाट पट्टी पर बैठकर ली जा रही हैं, जिसके चलते कई बच्चे परीक्षा देने में असमर्थ से दिखे। वहीं कुछ अभिभावकों को दोबारा घर जाकर बच्चों के लिए तख्ती तथा प्लेट लेकर आना पड़ा। इसी के साथ ही परीक्षा केंद्र दूर होने के चलते भी यहाँ पहले से ही परीक्षार्थी व अभिभावक परेशानी का सामना कर रहे थे। इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ और बैठने की उचित व्यवस्था भी करवाई जाएगी। पर समस्या पर है कि जब पहले से ही पता था कि 10वीं की परीक्षा किन किन केंद्रों में आयोजित होना है तो फर्नीचर की उचित व्यवस्था पहले से क्यों नहीं कराई गई। अब प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं मैंने जा रहा था आपको पूछना था, क्या नाम गुड़िया? लक्षिता सोनी। बस वो अच्छा था, लेकिन पर बैठने में बहुत प्रॉब्लम आई हमें और ताट पट्टी में बिठाया गया। ओ आप कुछ ताट पट्टी पे बैठते हैं तो कुछ सुविधा लेके आए थे, साधन लेके आए थे या नहीं लाए थे? लाए तो थे हम लोग, लेकिन जो लोग नहीं लाए उन्हें तो प्रॉब्लम आई होगी ना। आप क्या कहेंगे? पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर बनाया था, बैठने के लिए हमको अच्छा। प्रशासन से क्या कहेंगे कि आगे से आपको क्या सुविधा दे? टेबल लग जाए और व्यवस्था अच्छी। स्कूल में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर मैंने आके देखा जब हमारी बालिका को उसका भी एग्जाम था 10th क्लास का, वो बैठी हुई थी तो जमीन पे बैठा कर उसको परीक्षा दिलवाई जा रही थी। तो मैं घर जाकर यहाँ से बीना में 3 किलोमीटर दूर है वहाँ पर गया और वहाँ से एक टेबल लेके आया और उसके बैठने की व्यवस्था। तो आप प्रशासन से आगामी परीक्षा को लेकर क्या उम्मीद करेंगे या क्या सलाह देंगे उनको कि क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि स्कूल प्रशासन जो है वो अपनी व्यवस्था करे बच्चों को बैठने के लिए, कम से कम टेबल कुर्सी की व्यवस्था तो करवाए, क्योंकि अपन एग्ज़ाम फीस लेते हैं बच्चों से कम उसका उपयोग तो। क्या क्या कमियाँ पाई गई? आज मेरे द्वारा मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट कन्या विद्यालय का निरीक्षण किया है। बाकी परीक्षा अच्छी संचालित हो रही है, शांतिपूर्वक संचालित हो रही है। दोनों केंद्रों पर कुछ फर्नीचर की कमी पाई गई, इस संबंध में मैं बीओ से बात करूंगा, अगर कुछ फर्नीचर उपलब्ध हो पाएगा किराए से भी तो उपलब्ध कराया जाएगा, बच्चों को नीचे नहीं बैठा लेंगे। कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं हमारे ये चाचौड़ा में? 3 तो दो ये बीनागनी में, एक असासकीय, 2 चाचौड़ा में और एक असासकीय, इस तरह कुल 6 सेंटर हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो बच्चे हैं रेगुलर और असासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले स्वाध्याय, उनका सेंटर उनको यही दिया है, उनको ये ध्यान रखा गया जिसके बच्चे जहाँ बैठते हैं उनको हमने माइग्रेट कर दिया है, दूसरे स्कूल में दिया है, सी एस बाहर किया। कुछ सेंटरों पे देखने में आया बच्चे बच्चे नीचे टाट पट्टी पे बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, उनको पहले से सूचना भी नहीं थी, तो तख्ती भी लेके नहीं गए, बड़ी परेशानी आ रही है। मैं देखवा के फर्नीचर की व्यवस्था करा। चाचौड़ा से ग्राउंड रिपोर्टर शिवम नामदेव की रिपोर्ट।